हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। आज की जो एक हम नए वीडियो बनाने जा रहे हैं और बहुत ही सहयोग है सर का। मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया कि सर आएँ और जितने भी हमसे जुड़े लोग हैं, इस चैनल के माध्यम से जुड़े लोग हैं, उनको भी यह जानकारी साझा किया जाए, उन तक जानकारी पहुँचे। हमारे बीच में हैं पारस सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी के HOD श्री मनीष सर हैं, और आपको आज बताएँगे कि जो है नए स्टूडेंट हैं, जो नए पास आउट हैं, चाहे डी फार्म हो या बी फार्म हो, तो वे अपना उत्तर प्रदेश काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल है, उसमें फार्मासिस्ट के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करें लाइसेंस प्राप्त करने के लिए। तो हमारे साथ हैं मनीष सर, तो आपको आज बताएंगे कि ये पूरा प्रोसेस क्या है, पास आउट होने के बाद क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या आवश्यक दस्तावेज है उसके लिए, कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या लेके जाना होता है, कब तक आपका लाइसेंस अप्रूवल हो जाता है। तो मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बताना चाहे हमारे दर्शकों को इसके बारे में कुछ। सबसे पहले तो आप सभी को डी फार्म के लिए बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट डी फार्म पास आउट हो गए हैं वो अपना इंटर्नशिप अप्रेंटिस ट्रेनिंग 3 मंथ का, जो 500 आवर्स का होता है। क्या सर, ये 3 ही मंथ का है कि 3 मंथ से कम ज्यादा कब है? 3 महीने का, मिनिमम 3 महीने जी, और मिनिमम 500 आवर्स। अच्छा सर, उसके बाद कंप्लीट करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या CSC PSC कहीं से कर लें जी। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट, जैसे कॉलेज से अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट, यदि ओरिजिनल है तो बेटर जी, नहीं तो प्रोविजनल, इंटर मार्कशीट, हाई स्कूल मार्कशीट। डिफार्मा का सर जैसे सर्टिफिकेट नहीं आया हुआ तो फिर कैसे वो बच्चे जाएंगे उस? नहीं, यदि डिफार्मा का सर्टिफिकेट है तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा उनको। डिफार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों साल का जी मार्कशीट जी जी प्लस प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अच्छा सर जी, और उनका आधार कार्ड जी, पासपोर्ट साइज फोटो जी लेकर जाना है। लेकिन अच्छा इस समय, ये पहले की प्रक्रिया थी, लेकिन इस समय कोविड के बीच में 2020 से जी अपॉइंटमेंट हो गया है। आपको उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के साइट पर जाकर मेल करना है, जो कि मेल में आपको uppc.appointment@gmail.com पर नेम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और वर्क, किस काम से जा रहे हैं आपका। यदि न्यू रजिस्ट्रेशन है, नया रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं तो नया रजिस्ट्रेशन, यदि पुराने हैं आपको रेन्यूअल कराना है तो आप उस पर रेन्यूअल डाल देंगे। क्या सर, मैं जैसे डायरेक्ट मैं चला जा रहा हूँ वहाँ पे, तब यह प्रोसेस में नहीं आ पाऊंगा मैं? नहीं, आप इस प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। वहाँ पे प्रतिदिन 100 बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है जी, तो उन्हीं बच्चों को बुलाया जाता है जिनका अपॉइंटमेंट है, उनको डेट दी जाती है और अच्छा टाइम सर, अच्छा। उस डेट और टाइम के बीच में आप जाएंगे तो आपका वहां पे फॉर्म फिल होगा। अच्छा, वहां पे आपको एक फॉर्म मिलेगा जी, एक फाइल मिलेगी, जिसमें फॉर्म को फिल करने के बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट 2 प्रति में लेकर जाना है, इसकी फोटो कॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में आपके रहेगा। आप जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ₹1500 का जी आपका रिसिप्ट कटेगा जी, और रिसिप्ट आप का कट जाएगा, रिसिप्ट पर सीरियल नंबर लिखा रहेगा। जब भी आपको स्टेटस अपने देखना हो कि कैसे मेरा रजिस्ट्रेशन, देख सकते हैं जी स्टेटस। तो जैसे आवेदन स्टूडेंट कोई जाके करा दे रहा है, तो सर कितने दिन के बीच सर्टिफिकेट क्या ऑनलाइन निकलता है, प्रिंट आउट होता है, या फिर कैसे बुलाएंगे देने के लिए? ऑफलाइन प्रोसेस है, बाई पोस्ट। अच्छा, बाई पोस्ट आएगा, पोस्ट आपके घर जी डिलीवर हो जाता है जी। मिनिमम इसमें 3 मंथ जी और मैक्सिमम 1 साल जी, 1 ईयर के अप्रॉक्स टाइम लगता है जी। तो कॉलेज पे भी कुछ वेरिफिकेशन वगैरह के लिए आता है कि क्या प्रोसेस? कॉलेज पे वेरिफिकेशन के लिए आता है, तो कॉलेज के द्वारा आपका वेरिफिकेशन बनाकर दे दिया जाता है, जिस कॉलेज में आप पढ़े हैं वहां पर एक वेरिफिकेशन आएगा जी, इसमें कॉलेज वेरीफाई कर देता है कि आप हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं, आपने पास किया है, पढ़ा है। उसके बाद यहाँ से स्पीड पोस्ट कर दिया जाता है PCI के लिए जी, फिर PCI में जाकर आपका तब प्रोसेस जल्दी हो जाता है। यदि वेरिफिकेशन हो गया, उसके 1 से 2 महीने के अंदर आपको जी स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपका ग्रीन बुक और सर्टिफिकेट, अच्छा सर, दोनों मिल जाएगा। यही प्रोसेस बी फार्मा का भी है, बैचलर ऑफ फार्मेसी जी, बट दोनों में डिफरेंट है कि डी फार्मा 2 साल कोर्स पूरा करने के बाद अप्रेंटिस ट्रेनिंग करते हैं जी जी 3 महीने का जी, लेकिन बी फार्मा जो है बी फार्म के लिए, तो बी फार्म के लिए उनका कोर्स के बीच में ही 3rd सेमेस्टर के बाद जी समर ट्रेनिंग होती है, जो कि फर्स्ट बार 45 डेज की ट्रेनिंग होती है हॉस्पिटल में जी।
उसके बाद उनका इंडस्ट्री ट्रेनिंग, फिर हॉस्पिटल ट्रेनिंग कोर्स के बाद एट सेमेस्टर फोर ईयर के बाद उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं रहती है। अच्छा, डायरेक्ट पास आउट होंगे और डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं। अच्छा। उनका जैसे ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ जाए जी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आ जाए बी फार्म का जी, फोर ईयर का, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट से आपका हो जाता है। अच्छा, मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए और डिग्री प्रोविजनल चाहिए, इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन उनका हो जाएगा। अच्छा सर, तो जो डी फार्म, जैसे डी फार्म की बात करें तो बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे हाई स्कूल हो गए, उसके बाद बेसिक डॉक्यूमेंट में आपका हाई स्कूल जी जी, इंटर जी, डिप्लोमा डिग्री जी, दो ईयर का आपका सर्टिफिकेट रिजल्ट जी, 6 पासपोर्ट साइज फोटो जी, आधार कार्ड जी, और यदि आप उत्तर प्रदेश के जी अस्थाई निवासी हैं तो आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप किसी दूसरे स्टेट के हैं और उत्तर प्रदेश में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं जी, तो आपको निवास प्रमाण पत्र की जरूरत है जी। या जो ट्रेनिंग करते हैं वो स्टूडेंट लेकर के जाएगा ट्रेनिंग? ट्रेनिंग लेटर आपको लेकर जाना है, अपेंडिक्स ई जी, वो फार्म की दो प्रति फोटो कापी, सभी डॉक्यूमेंट जो आपको अभी मैं बताऊँ उसकी दो प्रति में कॉपी चाहिए जी, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल वहाँ वेरीफाई करते हैं? ओरिजिनल वेरीफाई करके आपको रिटर्न कर देंगे और अच्छा। दो प्रति में आपकी फाइल बनी है उसे सबमिट कर लेंगे। अच्छा सर, यही प्रोसेस कुल हम कह सकते हैं 2-2.5-3 या 4 महीने अप्रोक्सीमेटली लग जाएंगे इसको, इसमें पूरा प्रोसेस होने, क्या इससे ज्यादा भी लग सकते हैं कोविड के दौरान, या फिर इससे क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? नहीं, जैसे कि आपका ग्रीन बुक रजिस्ट्रेशन नंबर आने में तो काफी टाइम लग जाएंगे उत्तर प्रदेश में जी, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका अपॉइंटमेंट जैसे ही मिल जाएगा आपको, आपका तत्काल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अच्छा सर, पर डे 100 बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा एक दिन में? क्या जैसे कोविड के दौरान भी वहाँ कुछ संख्या घटाई या बढ़ाई गई है, कुछ ऐसा है प्रावधान? एक दिन में 100 बच्चों का, 100 बच्चों का एक दिन में रजिस्ट्रेशन होता है। डायरेक्ट मैं चला जाऊँ यदि कहूँ मुझे कराना है या अप्रूवल लेना है, फिर तो इस तरीके कोई प्रावधान वहाँ पे नहीं है? डायरेक्ट कोई प्रावधान नहीं है, बाहर काफी दलाल है, आप उनसे बचें, नहीं वो पैसा आपका लेकर खा जाएंगे। अच्छा, यहाँ वहाँ ये सब चल रहा है? वहाँ बाहर में आपको दलाल मिलेंगे जी, जो 18,000-20,000-25,000 रुपए लेकर आपका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो सर हमारे बीच में रहें और बहुत ही अच्छी जानकारी हम लोगों को और हमारे इस यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सर ने बताया, तो मैं सर का फिर सहृदय धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर आते रहें और इस तरीके की वीडियो जो है प्रोवाइड करते रहें हमारे जो हमसे जुड़े लोग हैं डी फार्म या बी फार्म के। तो धन्यवाद सर, और चैनल पे जो लोग नए होंगे वो मैं कहना चाहूँगा वो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके की अपडेट उनको डी फार्म या बी फार्म से रिलेटेड मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।